हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका छठा पाप पहली पांच आयात। एक सब्बत के दिन यूं हुआ कि यीशु खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द बाले तोड़कर और हाथों से मल कर खाने लगे। तब फरीसियों में से बास उनसे कहने लगे, तुम क्यों वो काम करते हो जो सब्बत को करना रवा नहीं। यीशु ने उनके जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया, वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं खाएं और अपने साथियों को भी दें। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फकीहों और फरीसियों के नज़दीक बालें तोड़ना और उन्हें अपने हाथों में मसलना फसल काटने के बराबर था। इन लोगों ने अपनी तरफ से सब्बत के हवाले से बहुत से इजाफी असूल बना लिए थे और वो सख्ती से इनकी पाबंदी भी करते और करवाते थे। इस वजह से सब्बत का दिन बोझ बनकर रह गया था। हालांकि खुदा चाहता था कि ये खुशी मनाने और इबादत करने का दिन हो। यीशु मसीह ने फरीसियों की गलत सोच को दुरुस्त करने के लिए माजी की मिसालों का जिक्र किया। इससे जाहिर हुआ कि फरीसी जिस तरह से सब्बत के हुक्म की तशरीह कर रहे थे, ये खुदा की सोच के मुताबिक नहीं था। पहले तो यीशु ने दाऊद और उनके साथियों की मिसाल दी कि एक बार जब उनको भूख लगी थी तो उन्होंने खुदा के घर से नजराने की रोटियां खाईं। ये वो रोटियां थीं जिन्हें सिर्फ काहिन ही खा सकता था और उमूमन काहिनों को नजराने की रोटियां खाने की इजाज़त थी। लेकिन खुदा ने दाऊद और उनके साथियों की सूरत हाल का लिहाज रखते हुए उन्हें कसूरवार नहीं ठहराया और अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा कि इंसान खुद सब्बत का मालिक है। इन अल्फाज से वो अपनी हज़ार साल हुक्मरानी की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें आराम और सुकून का राज होगा।